मैं 15 पैक करके देता हूँ, मेरे से 15 ले भी गए हैं। डाल रहे हो भाई, हमें भी बता दो। कस्टमर को अच्छा लग रहा है, कोई कंजूसी नहीं कर रहे, कोई कंजूसी नहीं सर, बहुत ही बढ़िया से कस्टमर को अच्छा लग रहे तभी तो आ रहे सर। हाँ ये बात तो है। हाँ ये देखो सेक रही है कौन सा फ्राई पैन। अब मेरा 2 घंटे में माल खत्म हो जाता है। सिर्फ 2 घंटे में बेच देते हैं? हाँ, 2 से 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। तैयारी आप खुद ही करते हो? खुद ही करके लाता हूँ, अब बॉल तो यही बनाता हूँ। बड़े वगैरह फ्रेश रेडी करते? बिल्कुल फ्रेश सर, स्मेल करके देख लीजिए आप। ये देखो भाई सारा कुछ फ्रेश बनाते हैं, कढ़ाई लगा रखी है। हाँ पब्लिक का डिमांड था बड़ा पाव, मैं लेके आ गया, इसलिए ले आया कि मैडम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अभी टेस्ट कराऊं। नहीं एक में एक ही। हाँ तो 3 आपको देना है। तो कितने का है वड़ा पाव? ओनली 30 रुपीज के, सबसे सस्ता मैं खिला रहा हूँ यहाँ पे। 30 रुपये में वड़ा पाव दे रहा हूँ, और भी बटर भर भर के, अब बटर भर भर के दे रहा हूँ सर। कौन सा बटर है ये? अमूल, अमूल का बटर। हाँ जी तो यार 30 रुपये में अमूल बटर वाला बड़ा पाव यहाँ मिल रहा है खाने को। जी जी जी। तो भाई अपना नाम बताएंगे? गणपत बड़ा पाव वाले। गणपत बड़ा पाव जी। तो गणपत भाई कहाँ से सीखा ये बड़ा पाव? सर मैं काफ़ी दिन से कुक का ही काम कर रहा हूँ, मेरे को पास सारे टैलेंट है, सारे खाने बनाने सारे टैलेंट। मतलब इससे पहले कहाँ करते थे? इससे पहले कहीं किसी और साइड में लगा रहा था सर। तो यहाँ आना कैसे हो गया? मतलब चंद्रिका जी के ठीक बगल में लगा रखा आपने, थोड़ा सा आगे। मैं इधर आता रहता था, मैंने सोचा भीड़ है तो फिर मैं भी टेस्ट कराता हूँ सर। तो आपने भी सोचा कि चलो मौके का फायदा उठा लेते हैं? ऐसे कुछ नहीं सर, मैंने देखा कि कस्टमर को देना है तो अच्छा टेस्ट करा देता हूँ एक बार। आपका 3 था सर? 3 खाना है। हाँ अच्छा, 3 खाना है, 2 पैक करना है। कितने पैसे हो गए? ये तो एक है देता हूँ सर। पहले आ जाते हैं, पहले आ जाता है बेच बात के निकल जाता है। हाँ मैं सारे 6 बंद कर देता हूँ। चंद्रिका जी कह रही हैं कि मतलब हमारी रोजी रोटी इन्होंने छीन ली, जैसे आंटी को भी बोला उन्होंने वीडियो में। नहीं हम इतना माल ही नहीं बेचते हैं जो उनका रोजी रोटी छीने जाएंगे। बता देना कितना बड़ा पाव रोज के लेके बता दो कितने लेके आते हो। मैं पब्लिक को पहले खिला के चला जाऊँ, मतलब किसी का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो। चलो अच्छा, बिल्कुल मैम। ये देखो यहाँ पे पाव तो ये अमूल का मक्खन लगा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसका कलर तो काफ़ी अलग नज़र आ रहा है सर। ऐसे ही है बस, न्यूट्रल लाइट तो यूज़ नहीं करते। पता नहीं, हाँ ये बताओ पता क्या चलेगा मक्खन में, दिख तो नहीं रहा है। कल ले आऊँगा बटर का, वो भी ले आऊँगा। अच्छा इतना बड़ा अमूल का मक्खन धोखा तो नहीं कर रहे भाई? नहीं सर, यहाँ पे सबसे अच्छा दे रहा हूँ सर, सबसे अच्छा क्वालिटी दे रहा हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे फ्रेश कोई तो मसाले ऐसे डालते जैसे प्रसाद है, मैं मसाले भर के डालता हूँ, खाओ और खा के जाओ। अच्छा सर बटर भी लगा, कोई बटर ऐसे छुआते हैं जैसे पता नहीं क्या दे कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल भर भर के खिलाता हूँ। चटनी में भी कोई कंजूसी नहीं है? कोई कंजूसी नहीं, मैं भर भर के देता हूँ सर। चलो अच्छी बात है, काम करने आए हो, काम करो बिल्कुल सर। जी जी। आते कहाँ से हो? पीरतमपुरा, ये सरस्वती विहार के पास। सरस्वती विहार से? हाँ जी। बहुत ही अच्छी बात है भाई। कितने का डेली कितने बड़ा पाव बेच लेते हो? अभी कोई वो नहीं है सर की, फिर भी अंदाजा होगा कितने लेकर आते हो? ये 10-12 पैकेट ले आता हूँ। 10-12 पैकेट।